आज की जो हमारी टिप है वो ये है, अगर आपकी कभी कोई सब्जी या दाल बहुत ज़्यादा थिक बन जाती है यानी कि गाढ़ी बन जाती है, तो उसको पतला करने के लिए कभी भी ठंडा पानी उसमें ऐड ना करें, अदरवाइज पानी अलग हो जाएगा, सब्जी या दाल अलग अलग हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दाल काफ़ी ज़्यादा थिक है तो मैंने क्या किया है कि पानी यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया तवे पर ही, और अब मैं तवे का ही गरम गरम पानी इसमें ऐड करूंगी, इसको मिक्स करूंगी। देख सकते हो आप पानी और दाल अलग अलग नहीं है, स्टिल मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी भी और फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी। सो दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक जो सभी लोग अक्सर करते हैं, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो हेयर यू कैन सी मैंने दाल पकने के लिए रख दी है, बस 2 मिनट के अंदर दाल पक जाएगी एंड आवर दाल इज रेडी। गाइस हेयर यू कैन सी कि एक अच्छे से बबल्स आ गए हैं, धनिया भी अच्छे से पक गया है जो इसके अंदर हमने डाला है। सो दाल इज रेडी टू सर्व।